सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी अपने भैया के लिए देवी लेकर आई है अपने हाथों से बनाया हुआ कार्ड। कैसा लगा? वाह, कार्ड तो पिछले साल से भी ज्यादा सुंदर है। चलो अब राखी बांधो। गिफ्ट ये लो, ढेर सारा आशीर्वाद। हमें नहीं चाहिए आशीर्वाद, हमें गिफ्ट चाहिए। अरे इसको तो बहुत सुंदर गिफ्ट दूंगा मैं। क्या बेटा, अपनी बहन को एक चॉकलेट भी नहीं दे सकते तुम? कोई तो गिफ्ट देना चाहिए ना इसे। अरे माँ, आप चॉकलेट की बात कर रही हो, इसको तो मैं बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ, एक सुंदर सी प्यारी सी भाभी। हाँ वो तो है, देखना माँ, मनीषा भाभी आएगी ना तो पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर दुल्हन वो ही होगी, है ना? बिल्कुल। बस आप लोग प्रार्थना करना कि उसके भैया और बाबूजी को हम पसंद आ जाए। जरूर पसंद आओगे बेटा। और अगर कोई कमी भी रह गई तो हम, है ना, हम ऐसा टेस्टी समोसा बनाएंगे ना कि मनीषा भाभी के भैया और बाबूजी कहेंगे कि हमें भी शगुन के लड्डू दे दो। पहुंच गए बस। माँ ये है मनीषा के बाबूजी घनश्याम गुप्ता जी और उनके बड़े बेटे सुंदर गुप्ता जी, और ये है हमारी माँ आरती देवी। नमस्ते। गांव में इनकी काफी जमीन है और खेती बाड़ी भी अच्छी है। अरे बस ऐसे ही, प्रभु की कृपा है क्या। और ये है हमारी छोटी बहन बेबी। अच्छा, अभी बोर्ड के एग्जाम क्लियर किए हैं फर्स्ट डिवीजन में, बस अब कॉलेज की तैयारी है इसकी। बहुत बढ़िया। देखिए हमें आपकी मनीषा पसंद है, बस अब जल्दी ही वो हमारे घर आ जाए। और रही राघव की नौकरी की बात, हमें पूरा विश्वास है वो भी लगी जाएगी एक साल में। हम आपके मुंह से अब हाँ सुनना चाहते हैं। देखिए क्या है कि हमें आपका लड़का बहुत ही पसंद है। अपनी बेटी मनीषा की इससे शादी करके तो हम निश्चिंत ही हो जाएंगे। पर एक तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए हमारे परिवार की एक परंपरा है, हम जिस घर में अपनी बेटी ब्याहते हैं उस घर की बेटी को ब्याह के भी लाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझना क्या है, सच्चे सच्चे बता रहे हैं आपको, अगर हम मनीषा की शादी आपके बेटे से करेंगे तो आपको भी अपनी बेटी हमारे बेटे सुंदर से ब्याह देंगे। आप
ऐसा कैसे कह रहे हैं? देखिए मेरी बेबी अभी बहुत छोटी है, ये अब 17 की हुई है। कैसी बातें कर रही हैं? छोटी है को दूध पीती, बच्ची तो है नहीं, 17 की है, एक साल बाद बालिग हो जाएगी। और आप ही तो बता रही थी तो बहुत काबिल है, सारा घर का काम करती है, खाना बनाती है, बहुत सुशील है, संभाल लेगी घर, क्या बात है। देखिए हम तो एक ही बात कहेंगे कि एक ही मंडप में दोनों के फेरे करवा देते हैं। बेटा तुम रो क्यों रही हो? हाँ तुम्हारी शादी हम ऐसे ही थोड़ी करवा देंगे, दोनों परिवार बैठ के कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। कोई हल नहीं है माँ, वो लोग अपनी परंपरा तो नहीं तोड़ेंगे पर मेरा और मनीषा का रिश्ता जरूर तोड़ देंगे। जरा सोचो माँ दिक्कत क्या है, इतना अच्छा रिश्ता खुद चल कर आया। सुंदर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, उम्र में से थोड़े बड़े हैं तो क्या हुआ, आप में और बाबूजी में भी तो उम्र का अंतर था। लेकिन बेटा बेबी अभी बहुत छोटी है। क्या हुआ माँ, आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी ही है ना। सुंदर भैया बहुत अच्छे इंसान है, वो इसको बहुत खुश रखेंगे, वो बिना दहेज के इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी माँ। देखो बेबी अब हमारी और मनीषा की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, इस रिश्ते को तुम हमारी तरफ से रक्षाबंधन का गिफ्ट समझो। अब ये तुम्हें स्वीकार करना है या नहीं ये तुम पर है। ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने आगे की पढ़ाई भी करनी है। अरे वो सब हम पर छोड़ दो, हम अभी सुंदर भैया को फोन करते हैं। तुम जानती नहीं तुमने हमें कितनी खुशी दी है। मनीषा, ओ मनीषा कहाँ चली गई? मनीषा कहाँ यार?
कहाँ छुपा है? हाँ? हम पूछ रहे हैं कहाँ छुपाया है? कुछ नहीं। देखो बेबी, शादी के बाद पति से कुछ छिपाते नहीं है। हम पूछ रहे हैं कहाँ छुपाया है? कुछ नहीं। हमने पूछा ना एक बार कहाँ छुपाया है? 11वीं का है एडमिशन का फॉर्म। अरे बाप रे, ये रुक तो तुम्हारा देखा नहीं। हमारे प्यारे सैया जी, अभी तो आपने हमारे वो रूप नहीं देखे जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, का समझे? अरे वो सब तो ठीक है, ये बताओ बंदी में बोतल का इंतजाम किया कैसे? वो सब छोड़ो, सवाल ही दागोगे या बॉटल का मजा ले लोगे? लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे मजा? तो फिर ले लो। ग्यारहवीं का एडमिशन फॉर्म। अरे पहले पहली क्लास तो पास कर लो मेरी रानी। पहले आप हमको ये बताइए कि आप हमारी फर्स्ट नाइट पर का गिफ्ट देंगे? अरे हम तो आपके गुलाम हैं जी, जो चाहे वो दे देंगे, जान जड़ जमीन सब आप पे लुटा देंगे। वाह क्या बात है, तो ठीक है, तो फिर लुटा दीजिए। ए बेबी, तू बड़ी कब होगी रे? तुझे बेबी से बेबी डॉल बनाते हैं। ये क्या कर रहा है? छोड़े 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 छोड़े। रोजमर्रा की इस तनावपूर्ण जिंदगी में इंसान को जिंदगी जीने के लिए हकीकत के साथ साथ सपनों का भी सहारा लेना पड़ता है। एक इंसान कुछ सपने अपने लिए देखता है तो कुछ अपनों के लिए, पर जब वही सपने अगर चकनाचूर हो जाए, बिखर जाए, तो कई बार इंसान की जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती। और कुछ ऐसा ही हुआ बेबी के साथ। अपने भाई के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहन ने अपने सपनों का बलिदान दे दिया। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारे समाज में शादी को एक महत्वपूर्ण बंधन माना जाता है, शादी को जिंदगी की नई शुरुआत कहा जाता है। पर जब दो ऐसे लोग जिनका कोई मेल ही ना हो अगर वो शादी के बंधन में बन जाए तो एक दूसरे को समझना तो दूर, बात तालमेल तक पहुंचने से पहले ही बिगड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ कम उम्र की बेबी के साथ। उसकी शादी लगभग उससे दुगनी उम्र के यानी कि सुंदर के साथ हो गई। अपनी माँ और भाई के सपनों की खातिर उसने शादी के लिए हामी भर दी। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या बेबी और सुंदर की जिंदगी एक नए शादीशुदा जोड़ी की तरह हंसी खुशी गुजरेगी? क्या सुंदर बेबी को एक बीवी का सम्मान देगा या महज एक चीज की तरह उसका इस्तेमाल करेगा? आइए देखते हैं। सुंदर, सुंदर, अरे सुंदर जी। बाबूजी, सुंदर सो रहा है क्या?
वो क्या है ना कि हमें सुबह 4 बजे चाय पीने की आदत है, नहीं पिए तो पेट साफ नहीं होता है। खैर तुम्हें तो शायद बहुत थकान होगी, तू जाओ आराम करो, हम खुद बना लेंगे, पी लेंगे हम खुद, कोई बात नहीं। बाबूजी मैं बना देती हूँ। तुम बना पाओगी? जी जी। ठीक है तो फिर बनाओ, तब तक हम कुल्ला कर लेते हैं। हमें हमार पत्नी की बहुत याद आती है, तुम्हारी उम्र की थी जब उसे हम ब्याह के लाए थे, तुम्हारे जैसे ही दिखती थी। खैर अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे हमारी पत्नी चाय बहुत अच्छा बनाती थी। हाँ बाबूजी चाय तैयार हो गई है। सुंदर भैया इतना बड़ा हाथ मारे? बड़ा हाथ कहाँ बे, छोटा। इन्हें सुंदर भैया की छोटी दुल्हनिया का हाथ इतना छोटा है, कपड़े भी नहीं फैला पा रही है। मदद कर दे क्या? ज्यादा पानी मतलब साड़ी में बहुत ज्यादा पानी है, मैं सिखाता हूँ। क्या है कि साड़ी खोल कर फैलाना ही कला है। हम सिखाते हैं। बाबूजी मैं कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ ना। आज दूसरे हाथ से भी तो पकड़ो, आज अच्छे से पकड़ो हाथ से। हाँ हाँ बस नीचे हो गया पानी, अब इसे फैला, हो गया काम। हम अपनी पत्नी को भी सिखाते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत हो ना बताना, बाकी सारी सहूलियतें मेरी कर देगा। ठीक है। अरे बेबी वो बुला रहे हैं। बाप रे, हम तो समझे थे इस घर में रामायण चल रही है, पर यहाँ तो रासलीला चल रही है। चलो तुम आओ बैठो, चलो। नाश्ता लेकर आओ। एक घास फूस खाने के लिए लेके आया है तुम्हें? अरे हम सिर्फ मांस मच्छी खाते हैं। लेकिन हमने कभी मांस मच्छी बनाई नहीं। पहले तो बनाना सीखो। बोलो सीखोगी? हम सीखेंगे। सुंदर छोड़ो बाबू, एक घंटे में चिकन चाहिए हमको। बात ही जिद्दी है, जब एक बार ठान लिया तो फिर खाए बगैर मानेगा थोड़ा ही, चिकन ही खाएगा। अब एक काम करो बहू, तो तुम मार्केट जाओ और जाके चिकन ले आओ, हमें बनाना आता है, हम सिखा देंगे। हाँ और एक काम और करना बहू, कि पाउठो और ले लेना, क्या कि हमारा हाजमा भी ठीक है ही चल रहा है, तो हम दिखा लेंगे।
हो चुकी हूँ। अच्छा बना, बहुत स्वादिष्ट। तू पहली बार में कितना स्वादिष्ट बन गया। ये कॉलेज का एडमिशन का फॉर्म है। आज फॉर्म के सबमिशन का लास्ट डेट है। पढ़ दे। और ये अम्मा का फोन। हेलो हेलो बेटा, कैसी है तू? हम ठीक है, आप कैसे हैं? और घर में सब कैसे हैं? मनीषा भाभी कैसी हैं? सब ठीक है। हाँ वो भी ठीक है बेटा, वो उसका माता पकड़ा हुआ है ना, अभी उठी है वो, अभी जाएगी वो नहाने। वो सब छोड़ो, ये बता शादी के बाद तुम्हारा आज पहला दिन है, कैसा बीता ससुराल में? सब अच्छा चल रहा है। पता है माँ, आज ही हमारे कॉलेज का फॉर्म जमा कर देंगे। सुंदर बाबू बहुत अच्छे हैं, तुम उनका हमेशा ख्याल रखना। हाँ माँ, कोशिश करेंगे। हमने ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भिजवाए हैं, दोपहर तक पहुँच जाएगा। क्या गिफ्ट? वो तुम खुद ही खोल कर देख लेना। जी माँ। माँ हम बाद में बात करते हैं। ध्यान रखना बेटा। अरे माँ, मनीषा के नहाने का पानी गर्म किया? हाँ तुम चलो, मैं लाती हूँ अभी। जल्दी लाऊंगा। सुंदर, सुंदर, बाबूजी वो बाहर गए हैं। बाहर गया है मतलब अब मेरी बारी है। बाबूजी मतलब अब मेरी बारी है सेवा करवाने की। ये लो, इस पर मल्लम लगा दो। देख क्या रही हो? अच्छा लग रहा है, लगाओ। बेबी गुप्ता आप ही हैं? जी। ये आपका पार्सल। हेलो, हेलो, हेलो सुंदर, अभी कोई आया था, बेबी को कुछ लेकर गया है डब्बा। हाँ, अरे हमको क्या पता कि मकसद में क्या है। कहाँ से आया ये मोबाइल? कौन देखे गया? तुम्हारा यार? नहीं, ये तो हमारी माँ ने भेजा है। झूठ बोलती हो हमसे? अरे बुड़बक समझे हो क्या हमको? छोड़िए, झूठ बोलेगी? छोड़िए, यार छुपके छुपके हैं, बहुत जान चढ़ा तुम्हें। मैं हम सच कह रहे हैं।
कौन तो तेरा कौन था वो? हेलो बेबी, गिफ्ट कैसा लगा बेटा? अरे कुछ भेजने से पहले सासू मां पूछ तो लिया करो, कैसा लगा गिफ्ट? अरे तुम्हारे मोबाइल के चक्कर में तो कांड हो गया है। गिफ्ट है तुम्हारे लिए, बहुत शौक है ना गिफ्ट लेने का। पहन के आओ। अरे परवर को मारो गोली, हम बोले पहन के आओ मतलब पहन के आओ। जाओ जाओ। खूबसूरत बनाया है भगवान ने। यहाँ आओ यहाँ आओ, जरा घूम जाओ घूम जाओ। बाबूजी, तुम्हारा मल्लम लगाने का समय हो रहा है ना, इसलिए तुम्हें ढूंढ रहे थे। ठीक है आप बाहर आइए, मैं लगा देती हूँ। ठीक है। पेट को निशान मल्लम की तो तुम्हें जरूरत है, लाओ मैं लगा देता हूँ। नहीं बाबूजी। क्या है इसमें, हम तुम्हारे लगाएंगे तुम हमारे लगाओगे, इंसान ही इंसान के काम आता है। नहीं।
लाओ मलम लगा दे। छोड़िए बाबूजी। नहीं नहीं मैं लगा देता हूँ, इसमें कुछ नहीं होता है। क्या? अरे तुम समझती नहीं क्या? अरे तुम साइन तक नहीं किया, कॉलेज में जमा करना तो दूर की बात है। वाह देखो बेबी, तुम रो मत, हम भैया से बात करेंगे और वो नहीं माने ना तो हम बाबूजी से बात करेंगे, ठीक है? आपके बाबूजी से तो मुझे और खतरा है, इतनी गंदी नजर है उनकी। और आज तो उन्होंने ये क्या बकवास कर रहे हमारे बाबूजी के बारे में, पगला गई हो का? मनीषा, अरे सुंदर भैया नमस्ते। नमस्ते। अरे भैया आपकी छोटी सी दुल्हन, हमारा मतलब है हमारी भाभी जी कैसी? अबे तुम्हें नहीं पता क्या, छोटी दुल्हन भाग गई ना कल घर से। अरे 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 सुंदर भैया, हम समझते हैं आपका हाल। अरे हमारे दूर के मामा भी ले आए थे कम उम्र की दुल्हन, बेचारे संभाल नहीं पाए, दो दिन में भाग गई वो। ऐसी थूथू हुई मामा की, पूरी की नजर नहीं मिला पाए और बाद में जहर खाना पड़ गया। देखिए कहीं आपका भी बस साले, हम मामा नहीं रहते ना भैया, हम तो गलते हो गए, बस समझा रहे थे। बोलो। क्या जरूरत थी इतना जल्दी बाप बेटा को अपना असली रंग दिखाने का? तुम्हारी बीवी को यहाँ पाल लेने ही बैठे हैं, लेकर जाओ। अब अगर हम उसका मुंह देखेंगे ना तो पकड़ के एसिड में डाल देंगे। अरे माथा ध्यान चला रहा हमारा, समझी तुम? नाक कटवा के गई हमारा, अब तुम कहती हो वापस ले जाओ। हाँ तो उससे शादी करने के लिए भी तो तुम ही मरे जा रहे थे ना, अब गुस्सा। अरे हाँ किए थे शादी, उसी का तो पछता रहे हैं। लेकिन अब इस बेइज्जती के बाद नहीं चाहिए हमको वो, ना हमारे घर में और ना हमारी जिंदगी में। या तुम पगला गए हो का? पहले से एक सास को पाल रहे हैं और अब ननद को भी पाले। देखो तुम्हारी बीवी है, तुम जानो और चुपचाप लेकर जाओ। देखो हम कुछ नहीं जानते, हमें नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। अब तुम उसको काटो, जलाओ, फेंको, कुछ भी करो, लेकिन हमें नहीं चाहिए, समझी तुम? ठीक है, हमें कुछ सोचते हैं। भैया भी ना हमेशा हमें ही मरवाते। मनीषा क्या कर रही हो ये? दिखाई दे रहा है क्या? हमारा सामान पैक कर रहे हैं, जा रहे हैं हमें घर छोड़कर। मनीषा हमें छोड़कर मत जाओ, मर जाएंगे मनीषा हम। और हम यहाँ रुके ना तो हम यहाँ मर जाएंगे, वो भी दम घुट घुट कर। जिस घर की बेटी ने हमारे भैया बाबूजी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया उस घर में हम एक मिनट भी नहीं रुकेंगे, समझे तुम? मनीषा मत जाओ हमें छोड़कर, वो तो बच्ची है, हम समझाएंगे उसे। बच्ची है? तुम्हें पता है ना उसने भैया बाबूजी का कितना बेइज्जती किया। भैया का फोन आया था, बोल रहे थे घर से निकलना मुश्किल हो गया, बाबूजी ने तो अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। हम एक पल भी यहीं रुकेंगे, जा रहे हैं।
मनीषा मत जाओ ना, हम अभी बात करेंगे उससे। रुक जाओ, छोड़ो इसे, कहीं मत जाओ। मनीषा कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं बात करती हूँ बेबी से। देखो बेटा, मैं समझती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। अचानक से तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया और तुम घर घरस्थी में बन गई। लेकिन सच तो यही है ना बेटा, अब तुम उस घर की बहू हो। पर माँ, वो लोग अच्छे नहीं है और मेरी पढ़ाई। बेटा, सुंदर बाबू पढ़ाई के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं, उनके दिमाग से निकल गया होगा। अगर इस साल तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ ना, तो अगले साल तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे सुंदर बाबू। लेकिन अगर अब तुम गिरता हुआ गृहस्थी नहीं संभाल पाई, फिर कभी नहीं संभाल पाओगी। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी नए से शुरुआत करो। देखो बेटा, 100 बार की एक बात कहती हूँ, अब दोनों घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारा रिश्ता टूट गया ना, तो तुम्हारे भाई का घर भी उजड़ जाएगा। अपने बड़े भाई का घर टूटने से तुम ही बचा सकती हो बेटा। की बेबी अभी बच्ची है, समझ का फेर हो गया होगा उसे बाबूजी को लेकर। आप बच्ची समझ के माफ कर दीजिए ना उसे। हाँ, हम सब मिलकर समझाएंगे, ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्या भैया, आप भी भाभी से छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, आइंदा ऐसा मत करिएगा, समझे? चलो माँ जी, हम भी इन दोनों के साथ घर होकर आते हैं, बाबूजी से भी मिल लेंगे। आइए ना। मनीषा, यहाँ क्यों लेके आई हो? अरे भैया, यहाँ ना एक सिद्ध बाबा रहते हैं, हमने ना आप दोनों के लिए पूजा रखवाई है ताकि आपका जीवन ना सुख शांति से बीते। चलिए। अच्छा, लो आइए भाभी, आइए आइए भाभी। भाभी, आप ये मुझे कहाँ लाई हैं और बाबा जी कहाँ हैं? भाभी, आप काहे चिंता कर रही हैं, अभी आ रहे हैं बाबा जी। ये लो, आ गए बाबा जी। संभालिए इसे। छोड़िए, पैसे देकर खरीदा है तुझे? वो का है ना, जो लड़की अपने ससुराल से भाग जाती है ना, तो वो ना मायके की होती है ना ससुराल की, वो हो जाती है बाजारू। तो आज से आप हो गई हैं बाजारू, तो बाजार में तो रहना ही पड़ेगा ना। भाभी, भाभी, सुनिए, आप कैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगी। प्लीज प्लीज भाभी, मुझे छोड़ के मत जाओ। भाभी 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 प्लीज। मनीषा चलो चलो। पैसे देकर खरीदा है तुझे, ऐसा कोई जाने दूंगा? चल प्लीज जाने दो। Oh,
वसूल करूंगा। क्या हुआ माँ जी? देखो ना बेटा, बेबी का फोन बंद है। एक काम करो ना बेटा, अपने भैया से फोन करके पूछो सब कुछ ठीक है ना वहाँ। माँ जी सब अच्छा ही होगा, बेबी अपनी गृहस्थी में रम गई होगी, खुश होगी वो, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, ले खाना खा ले। किधर गई ये लड़की? तो हमारी किसी को कुछ पड़ी नहीं होती, सारा काम हमें ही करना पड़ता है। आप लोग से बहुत बड़ा पाप हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दे। राघव आपको लगता है क्या कि हम कुछ किए होंगे? ये सारा किया धरा है हमारे भाई का। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हमारी बात का यकीन करो राघव, हम सच। चुप, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, ले चलो इन्हें। राघव हमने कुछ नहीं किया है। राघव कहते हैं जुर्म कभी नहीं छुपता, लेकिन क्या बेबी के साथ हुए जुर्म के भागीदार सिर्फ मनीषा, सुंदर और घनश्याम थे? जी नहीं, बेबी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार उसका भाई राघव और उसकी माँ आरती भी थे। राघव ने मनीषा के प्यार में अंधे होकर मानो बेबी का सौदा ही कर दिया, और उसकी माँ ने भी अपने बेटे की जिद में आकर बेबी के साथ सुंदर के रिश्ते के लिए अपनी हामी भर दी। ये जानते हुए कि बेबी नाबालिग है, अपने ससुराल वालों से परेशान होकर बेबी जब पहली बार अपने मायके आई थी, तब राघव और उसकी माँ के पास एक और मौका था बेबी के साथ हुए गलत को सही करने का, लेकिन उन्होंने समाज के दबाव में आकर एक बार फिर से बेबी को सुंदर के साथ भेज दिया। लेकिन बेबी ने हिम्मत नहीं हारी, वो अंत तक लड़ती रही और उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया और वो अपने परिवार से एक बार फिर से सही सलामत मिल पाई। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 21वीं सदी में भी जहां देश के हर गली और नुक्कड़ की दीवारों पर
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के पोस्टर्स लगे हुए हैं। वहां ऐसी न जाने कितनी नाबालिग लड़कियां हैं जिन्हें अपने सपनों का गला घोटकर इस तरह की बेमेल शादी के बंधन में बंध जाना पड़ता है। हर कोई बेबी की तरह हिम्मत नहीं जुटा पाता और ना ही उनकी किस्मत उनका साथ देती है और उनकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही अपना दम तोड़ देती है। हमारी गुजारिश है उन सभी माँ बाप से जो आर्थिक या सामाजिक दबाव में आकर ऐसे गलत फैसले कर लेते हैं कि अपनी बेटी के भविष्य का इस तरह से गला ना घोटे, उन्हें पढ़ाए लिखाए काबिल बनाए और उसकी शादी सही उम्र में कराए, वो भी उसकी रजामंदी से। अपनी बेटी की खुशी और उसके भविष्य को सुखद बनाने में उसका साथ दे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।